हेलो, ये तो मेरा हीरो है। हीरो है? कौन? ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर तेरा हीरो? ये क्या कह रही है? कल जिन्होंने मेरी हेल्प की थी दीदी, इतनी जल्दी भूल गई तुम? तो उस दिन तेरी हेल्प करने वाले यही हैं? हाँ दीदी, आज बस थोड़ा सा मिस हो गया, फिर भी मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगी, जरूर ढूंढ निकालूंगी। उनके 100 रुपए वापस देकर उनके साथ सेल्फी जो लेनी है मुझे। चलो ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके, आपको परेशानी होगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे तुम्हें टू व्हीलर पसंद है ना, इसलिए 4 व्हीलर छोड़कर 2 व्हीलर लेकर आया हूँ। मुझे 2 व्हीलर पसंद है, ऐसा आपसे किसने कह दिया? तो तुम्हें क्या पसंद है? ऑटो। बाय सर। ये हमेशा मुझसे सड़क क्यों लेती है? मेरे स्वीट हार्ट को 3 व्हीलर पसंद है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैंने आपको कहा, कहा नहीं ढूंढा सर। मैडम आपका सर मैं नहीं हूँ, वो देखिए वो रहा आपका सर। यस, वो तो हमारे प्रोफेसर हैं, मैं उन्हें नहीं आपको ढूंढ रही थी सर। मुझे? लेकिन मुझे क्यों ढूंढ रही हो? क्या आप मेरे साथ एक कॉफी पी सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? कॉफी डे में? ऑटो से आए तो सोचा इम्प्रेस हो जाएगी, ये तो ऑटो वाले से इम्प्रेस हो गई। हाय, मेरा नाम सपना है। मैं कनका हूँ। एक्चुअली मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी सर। क्यों मैडम? मुझे आप जैसे रियल लाइफ हीरोज से मिलना, उनके साथ सेल्फी लेना और उन्हें मोटिवेट करना अच्छा लगता है। रियल लाइफ हीरो से? यस सर, सी ये लड़की मेरी कजन है। उस दिन वो स्कूल के लिए लेट हो रही थी और आपने उसे ड्रॉप किया था। पुलिस को फाइन भरा था। इतना ही नहीं, एक एक्सीडेंट भी हुआ था, उस औरत को आपने ही हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवाया था। मैं आपके पीछे पीछे भी आई थी, पर आप वहाँ से निकल गए थे। मैं तो आपसे बात करते करते आपसे पूछना ही भूल गई, क्या लेंगे आप सर? अब इस कॉफी डे में आपने बुलाया है तो यहाँ टॉनिक थोड़ी ना मिलेगा, कॉफी ही बोल दो। आप बहुत मजाक करते हैं सर, 1 सेकेंड। लाल हीरोन को चूना लगाया ऐसा लग रहा है। ओहो, ये लोग छुपते ही इनका ब्रांड दिखाई देने लगता है। चिकना लौंडा मिल जाए तो किसी भी ब्रांड का हो उसे अपना लेती हैं। ये लड़कियां भी ना। जरा इसे देखो, घर में भगवान के सामने कभी अगरबत्ती नहीं जलाएगी और यहाँ दम लगाकर धुआं छोड़ रही है। गुड 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 गुड, बहुत अच्छी जा रही है। पियो पियो। जरा इसे तो देखो, कोई भी फुल पैंट पहनाओगे तभी भी वो कट होकर अपने आप सिंगल पीस हो ही जाता है। हेलो, हाय, हेलो, कम कम। ये क्या है राजा? जंगल में रहने वाले मोर के सारे पंख अपने सर पर लगा लिए। इसे देखकर ऐसी पटा ली, और कुछ लगाएगा तो पता नहीं कैसी पटेगी, इंसान से परिंदा बन गया। जाओ पेरी, कंटिन्यू योर ड्यूटी। हाँ जाओ जाओ। इनका कोई कुछ नहीं कर सकता सर, ये आजकल का ट्रेंड है, कल्चर बन चुका है। ये सब ट्रेंड और कल्चर है क्या? माँ बाप की कमाई पर ये ऐश करते हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करना, हर किसी के साथ बीड़ी सिगरेट पीते हुए बैठना, ये सबको आप कल्चर कहती हैं मैडम? ऐसे आवारों के अड्डे पर मैं कॉफी पीना पसंद नहीं करता। ये बताइए आप चाहती क्या है? मेरे साथ एक कॉफी पीनी है ना? तो चलिए मेरे साथ। राम भैया, कॉफी रेडी है ना? कैसे हो कनका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आपका आशीर्वाद है। हाँ, ये लो। हाँ, बहुत दिनों के बाद आए हो, तबीयत तो ठीक है ना? फर्स्ट क्लास राम भैया। तुम्हारा ऑटो तो सही चल रहा है ना? एकदम सही चल रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है।
ये देखो मैडम, एकदम ओरिजिनल कॉफी। क्या हुआ मैडम, क्या सोच रही हो? ओ हो, फुटपाथ पर खड़ी हो इसलिए? हेलो मैडम, बड़े बड़े महान हस्तियों की शुरुआत इस फुटपाथ से ही हुई है मैडम। फुटपाथ पर जीने वालों को जिंदगी की कीमत पता चलती है, ईमानदारी क्या है ये वो जानते हैं, और भला बुरा क्या होता है वो अच्छे से पहचानते हैं। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ तक पढ़े हैं? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एक डॉक्टर हैं। मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ, डॉक्टर कनका। MBBS नहीं हूँ, सिर्फ BS। डॉक्टर BS? इसका क्या मतलब है? वेटर कन्नप्पा की साउंडलेस जितनी सारी फिल्में हैं वो देखकर, उसके अंदर जो अच्छे आदर्श हैं उसे अपना कर, मरते दम तक उसे फॉलो करने का इरादा लेकर पला बढ़ा हुआ भाई के यूनिवर्सिटी का और एक पदवीधर। ऐसे भी कोई डिग्री है क्या? बिल्कुल मैडम, आप लोगों को 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद डिग्री सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आपको 4 पैसे कमा कर दे देता है। लेकिन अगर तुम 2 से 3 घंटा बैठ कर अगर भाई की फिल्में देखोगी तो हमारी जिंदगी में बहुत सबक सीखने का मौका मिलता है मैडम। जिंदगी में कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सामना करके जीना है, ये हिम्मत हमें उससे मिलती है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बनकर दिखाऊंगा, ये सीख उसकी फिल्मों से मिलती है। 2 भाइयों को मिलजुल कर कैसे जीना चाहिए तो आप जुड़वा फिल्म देखिए मैडम। भाई की एक एक फिल्म मतलब एक एक डिग्री की तरह है मैडम। आप सच में बहुत अच्छी बातें करते हैं सर। मोदी जी, भाई जी की तरह एक यूनिवर्सिटी शुरू कर दीजिए, फिर क्या जरूरत है मोबाइल में 3G और 4G की। यहाँ राम भैया, बिल कितना हुआ? सुनिए सर, उस दिन मेरी बहन को स्कूल ड्रॉप करने के बाद आपने पुलिस को फाइन भरी थी ना, ये वो पैसे हैं, ले लीजिए प्लीज। सहायता दोस्ती को बढ़ाती है, अगर मैं पैसा ले लूंगा तो व्यवहार हो जाएगा मैडम। दोस्ती चाहिए या व्यवहार चाहिए ये सोचना अहम है। अगर सच में ये पैसे आप मुझे देना चाहती हैं ना, तो इस पैसों से भाई की फिल्म की CD लेकर उसे आप देखिए, जिंदगी में एक अच्छा सबक सीखने का मौका मिलेगा। इस तरह के भी रियल लाइफ कैरेक्टर होते हैं क्या? I think I need a selfie with you. अरे नहीं, मैं कोई फिल्म एक्टर थोड़ी ना हूँ मैडम। आप एक रियल लाइफ हीरो हैं। मैं एक नॉर्मल ब्लैक बॉय हूँ। ठीक है, ले लो ले लो। मैं सबका दिल जीत कर आई और अपना दिल कहीं छोड़ के आई। सुन सुमिता, कल वो मिले थे। कौन? भाई जी? उन्हें चाहने वाला। कर्नाटक में करोड़ों के हिसाब से उन्हें चाहने वाले हैं, लेकिन उनमें से तुम्हें कौन मिला था दीदी? कनका, वही जिन्होंने एग्जाम के लिए ड्रॉप किया था तुझे। ओ, उस ऑटो ड्राइवर का नाम कनका है। अच्छा बताओ दीदी, उनके फाइन के पैसे दे दिए ना? नहीं, उन्होंने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं उनके साथ एक सेल्फी लेकर आई हूँ और मेरे रियल लाइफ हीरोज की लिस्ट में उन्हें ऐड कर दिया है। दीदी दीदी दीदी, एक बार वो फोटो दीजिए ना दीदी, मुझे माँ को दिखानी है। ठीक है, वहाँ टेबल पर मेरा फोन है, ले ले। ठीक है दीदी। वाओ, मेडिकल स्टूडेंट, ऑटो ड्राइवर। अगर मैं इसे फेसबुक पर अपलोड कर दूंगी तो कितने लोग लाइक और शेयर करेंगे? तेरा लाइफ टाइम खत्म हो चुका है, अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्या रे? दुश्मन बेंगलोर में। बहुत खुशी हुई, मैं अभी बेलगाम से बेंगलुरु के लिए निकल रहा हूँ और मैं अपने साथ इसका डेड बॉडी भी लेके आ रहा हूँ। देखा है क्या? नहीं देखा? सच बताओ।